हेलो स्टूडेंट, अगेन माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। तो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा कि कुछ जेई मेंस के बाद में हमने जो एक स्ट्रेटेजी क्या बनानी है उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था 2007 से लेकर के 2018 के जो जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन पेपर्स है उनका अगर हम स्टडी कर लेते हैं और एक रिविजन प्लान बना लेते हैं तो वो तो उसी सीरीज के अंदर ये हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका हम आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, आप नोट कर सकते हैं इनको, अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स का जो है वो रिवीजन करना है, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का जो पेपर टू है उस पर बेस्ड है और इसमें कहा गया द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप। तो ये अगेन बॉन्डिंग पर बेस्ड आ गया। SO3 एक वेल नोन स्पीसीज है, आप जानते हो कि ये ट्राइंगुलर प्लेनर है, पिरामिडल शेप का नहीं है। पिरामिडल होने का मतलब हुआ कि अदर एटम्स 3 होंगे लेकिन सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर होगा, तब पिरामिडल होगा, जैसे अमोनिया टाइप का जो कोई सब्सटेंस है। अदर एटम्स 3 होंगे बट सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर होना चाहिए पिरामिडल शेप के लिए। तो SO3 के अंदर अदर एटम्स 3 है लेकिन सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगुलर प्लेनर हो जाएगा। BrF3 के अंदर अदर एटम्स जो है वो 3 है लेकिन ब्रोमीन जो है इसके पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम्स 3 है, तो ये तो नियरली एक टाइप से टी शेप टाइप की स्पीसीज हो जाएगी। SiO3 2- को अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल एटम के पास में कोई भी यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिलिकन 4 बॉन्ड बना लेगा। SiO3 2- कार्बोनेट टाइप की स्पीसीज हो जाएगी, जैसे कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप से ये SiO3 का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। OSF2 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है हमारा वो सल्फर है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इससे मैच कर रहा है, अदर स्पीसीज जो है वो 3 है और सल्फर के पास में एक लोन पेयर रहता है अगर सल्फर जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास में 4 बॉन्ड सल्फर के बन गए और इस सल्फर के पास में एक ये रैबिट ईयर लोब जो है वो लॉन पेयर की तरह रहेगा। तो इस स्पीसीज को अगर हम देखेंगे तो ये एक पिरामिडल शेप की स्पीसीज हमें नजर आ रही है, तो इसको हम पिरामिडल शेप की स्पीसीज कह सकते हैं, द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप। तो शेप के लिए हमें बेसिकली कंसिडर करना होता है अरेंजमेंट ऑफ अदर एटम्स एक्सक्लूडिंग लॉन पेयर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो डी एक्सपेक्टेड आंसर है। ऑफिशियल आंसर को देख लेते हैं कि ये क्या है, तो ऑफिशियल आंसर भी डी आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, अज्यूमिंग दैट हुंस रूल इज वायोलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटमिक मॉलिक्यूल B2 इज। तो पहले हम देख लेते हैं कि B2 के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं एच पर हुन रूल्स वो कैसे अरेंज्ड रहेंगे। तो B2 जो डायटमिक स्पीसीज है इसमें टोटल जो है हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2 और यहाँ पे S और P की मिक्सिंग हमें कंसिडर करनी है। तो S और P की मिक्सिंग कंसिडर करने का मतलब है कि ये π2px एंड π2py ऑर्बिटल जो है वो σ2pz के रिस्पेक्ट में लोअर एनर्जी वाले होंगे और ये ऐसे वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चलते जाएंगे। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2, 4, 6, 8, 9 और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो अरेंजमेंट है वो H पर हुंस रूल है, लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ हुंस रूल इज वायोलेटेड देन व्हाट विल हैपन। तो हुंस रूल जो है वो हमें कंसिडर नहीं करना है, तो हुंस रूल कंसिडर नहीं करना है इसका मतलब हुआ कि ये जो डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते समय आप पेयरिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हुंस रूल ये कहता है कि डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते समय आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे। तो ये डी जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लेकिन इनके अंदर हमने अगेंस्ट हुंस रूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया है। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी। तो हमें दोनों को बताना है, बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेट एच पर हुंस रूल, लेकिन यहाँ पे हुंस रूल को हमें कंसिडर नहीं करना है। तो फिर अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में तो कोई चेंज नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर तो इसका 1 ही रहेगा, बट नाउ इट विल बिकम डायमैग्नेटिक। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा कि अज्यूमिंग दैट हुंस रूल इज वायोलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटमिक मॉलिक्यूल B2 इज A1 एंड डायमैग्नेटिक। तो ऑफिशियल आंसर को हम नोटिस कर लेते हैं क्या है, तो वो ऑफिशियल आंसर भी हमारा ए ही है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2012 से है, पेपर वन का है क्वेश्चन. देखते हैं किस टाइप का है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट. तो ग्रेफाइट और डायमंड पर बेस्ड क्वेश्चन है. सिलेबस को हमने देखा था तो उसमें ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में स्पेशली गिवन था. सो ग्रेफाइट एंड डायमंड की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है. करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है. ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड. नो, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट देन डायमंड. ए ऑप्शन इनकरेक्ट है. ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड. यस, ग्रेफाइट एक कोवलेंटली बॉन्डेड स्पीसीज है और ये कंडक्टिंग है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिकल करंट का, लेकिन डायमंड नहीं होता है. बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है और हमें करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है. ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड. नो, ग्रेफाइट के अंदर जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हायर थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट के अंदर नहीं होती है. तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड. ये करेक्ट है. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको उसके अंदर जो है मल्टीपल बॉन्ड नजर आएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप के नजर आएंगे. तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, लेकिन डायमंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन का, तो उसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही होंगे. तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है. सो ग्रेफाइट हैज हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2 देन डायमंड विच हैव बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर एज ए 1. तो ये बी करेक्ट है और डी जो है वो करेक्ट है. तो हम देख लेते हैं ऑफिशियल आंसर हमें क्या कह रहा है. ऑफिशियल आंसर भी यही सजेस्ट कर रहा है कि बी और डी जो है हमारे करेक्ट आंसर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2013 के पेपर 2 से है और 2013 का जो पेपर 2 है उसका क्वेश्चन ये है. करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ऑर्थो बोरिक एसिड इज आर. वापस से देखिए, बोरोन की केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया. अभी आपको मिला ही था B2 पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर ये ऑर्थो बोरिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया. सो इट बिहेव एज अ वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू द सेल्फ आयोनाइजेशन. इट बिहेव एज अ वीक एसिड इन वाटर बट नॉट ड्यू टू द सेल्फ आयोनाइजेशन. बोरिक एसिड का सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता. ये वीक एसिड है लेकिन इसका सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है. ये प्रोटिक एसिड ही नहीं है, बताया था आपको अभी. तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. नाउ एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. बोरिक एसिड जो है हमारे पास में, अभी हमने देखा था कि ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए हमें किसी स्पीसीज को ऐड करना होगा सो दैट ये H3BO3 दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर रहा है और ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा और इस इक्विलिब्रियम में जो एक स्पीसीज फॉर्म हो रही है ये एक ऐसा टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट बन गया है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है एसिडिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. तो ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया. अब इथाइलिन ग्लाइकोल जब आप ऐड करोगे तो ये जो स्पीसीज है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा. तो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से क्या होगा, देखिए. तो इसमें हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दिया तो ये वही काम होगा जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स को अगर हम एसिडिक मीडियम में छोड़ देते हैं तो ईथर टाइप की लिंकेज हो जाता है, ईथर टाइप के बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट कर जाते हैं. तो ये हमारे पास में बी है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करेगा और एक ऐसी स्पीसीज बन जाएगी और ये इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा. दो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इधर से ये जो OH है और इधर से जो OH है, अब इसके भी दो मोल यूज हो गए तो इसलिए 4 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा. सो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने से ये जो इक्विलिब्रियम है इसका एक प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा. सो दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सो एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वा सॉल्यूशन इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नाउ इट हैज ए 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ ये जो हमारे पास में ऑर्थोबोरिक एसिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका 3-डायमेंशनल नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका लेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ये स्लिपरी होता है, ठीक है. तो ये सी ऑप्शन ठीक नहीं होगा. इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है. तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के लिए ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है, अभी हमने देखा था, सी भी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट है. तो आप और ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं.
तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी नजर आ रहा है. तो हम ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है. तो ऑफिशियल आंसर भी बी और डी ही सजेस्ट कर रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2014 का जो क्वेश्चन है पेपर टू से है और क्वेश्चन ये कह रहा है हाइड्रोजन परोक्साइड इन इट्स रिएक्शन विद KiO4 एंड NH2OH रेस्पेक्टिवली इज एक्टिंग एज. हाइड्रोजन परोक्साइड को हम पोटेशियम परायोडेट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं. तो हाइड्रोजन परोक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. That is intermediate oxidation state for oxygen, and because of intermediate oxidation state, in it can behave both as oxidizing as well as reducing agent. But यहाँ पे जो हमारे पास में KiO4 है उसमें iodine +7 oxidation state में, तो किसी भी substance में center atom highest oxidation state में अगर है तो definitely वो एक oxidizing agent का काम करेगा. तो KiO4 के साथ जब hydrogen peroxide react करेगा तो डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. तो हाइड्रोजन परोक्साइड एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट व्हेन रिएक्ट विद KiO4. नाउ हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा. तो हाइड्रोक्सिल अमीन जो है वो एक रिड्यूसिंग नेचर होगा. आप याद कर सकते हो जैसे बायोमोलिक्यूल के अंदर हम पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल के अंदर जो हम मोनोसेकेराइड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये सारी स्पीसीज जो है इसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन है ना, ये सारे जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं. जस्ट एक हम सोच सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो उस कंपाउंड के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो उस कंपाउंड के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगी. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास में हाइड्रोजन परोक्साइड का बिहेवियर ढूंढना है हमें. और ये जो दो स्पीसीज गिवन है उसमें पहली स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरी स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हाइड्रोजन परोक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा जब KiO4 के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा जब NH2OH की तरह रिएक्ट करेगा. तो ये जैसे हम स्टोइकोमेट्री 2 पढ़ते हैं तो स्टोइकोमेट्री 2 के अंदर, मतलब VMC के स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो रेडॉक्स रिएक्शन का स्टडी करते हैं तो हम आयरन का एक क्वेश्चन करते हैं. देखिएगा VMC का जो मॉड्यूल है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, फेरिक को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, N2O प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि फेरिक को रिड्यूस हुआ है तो ये हाइड्रोक्सिलामीन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन परोक्साइड का बिहेवियर हमें प्रेडिक्ट करना है व्हेन इट रिएक्ट विद KiO4 एंड NH2OH, तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव होगा. तो आंसर हमारा ए होना चाहिए. चेक कर लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर जो है वो क्या कह रहा है. तो ऑफिशियल आंसर इसका ए है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अगेन 2014 का जो है पेपर 2 है उसी से ही है. और यहाँ पे कह रहा है एज्यूमिंग 2S2P मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज. तो ये जो इफेक्ट आएगा वो बेसिकली जिसके पास में भी इलेक्ट्रॉन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंदर है तो डिफरेंस आ सकता है. और इसको अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s, ठीक है, यहां तक तो कोई डिफरेंस नहीं होगा. अब यहाँ पे जो है हमारे पास में डिफरेंस आएगा अगर हम मिक्सिंग को कंसिडर करते हैं तो जो ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो π2px, π2py एंड σ2pz. हम z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्डर हम तब यूज करेंगे व्हेन मिक्सिंग इज ऑपरेटिव. When mixing is operative, इसको हम consider करेंगे. और mixing अगर operative नहीं हो रही है तो ये जो usual energy order होता है उसको हम consider कर लेंगे. Mixing is not operative. When mixing is not operative. तो अब यहां पे B2 को अगर हम देखेंगे तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. ये 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे पहले जो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो इस पे assuming 2s2p mixing not operative, the paramagnetic species among the following हमें फाइंड आउट करना है. तो BE2 cannot be paramagnetic. ये तो हमेशा डायमैग्नेटिक ही होगा.
नाउ बी टू को अगर हम देखेंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिलअप करेंगे तो बी टू के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, दो यहां आएंगे, दो यहां आएंगे, दो यहां आएंगे, दो यहां आएंगे, और मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव है तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव नहीं है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे. तो ये जो है द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग. नाउ बी टू विल नॉट बी पैरामैग्नेटिक. अब सी टू को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो है 12 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में. तो सी टू के 12 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, और मिक्सिंग जो है ऑपरेटिव अगर हो रही है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां पे फिर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा. तो सी टू जो है दैट बिकम पैरामैग्नेटिक इफ मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव. N2 को अगर हम देखेंगे तो इसमें टोटल जो है 14 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो N2 के टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर, दो यहां पर, दो यहां पर और दो यहां पर. मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव है तो दो यहां पर हो जाएंगे, दो यहां पर हो जाएंगे और दो यहां पर हो जाएंगे. सो 8 and 6, 14 हो जाएंगे. और मिक्सिंग अगर ऑपरेटिव नहीं है तो भी यहां पर इतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन. तो N2 जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता है, B2 नहीं हो सकता है, ये हमारा जो है डायमैग्नेटिक बन जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है पैरामैग्नेटिक कौन सा बनेगा, तो C2 जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो C ऑप्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो देखिए ऑफिशियल आंसर की भी हमारा कह रहा है कि C आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है हमारे पास में 2014 से ही है, पेपर 2 से क्वेश्चन है ये. तो यहां पर मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर shown in list 1 with the description given in list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो यहाँ पे ये हमारे पास में दो टाइप के लोब्स दे रखे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, एक शेडेड है और दूसरा नॉन शेडेड है. ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेव साइन होते हैं वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के प्लस और माइनस, उनको इंडिकेट कर रहा है. तो हमारे पास में जब ओवरलैपिंग होगी, लिस्ट 1 के अंदर ओवरलैपिंग दिखा रखी है, तो ये जो लिस्ट 1 के अंदर जो ओवरलैपिंग है वो इस टाइप की ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है. तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हमेशा जो है वो सिग्मा टाइप का ऑर्बिटल जनरेट करती है. तो पी को अगर हम देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्डिंग टाइप का होगा या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टाइप का होगा. तो आंसर जो है पी के लिए अगर हम देखेंगे आइदर 2 or 4, तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो गिवन है. अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सेम वेव साइन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं, नॉन शेडेड रीजन जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. तो नॉन शेडेड रीजन अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एक टाइप का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के अंदर जो है वो एक टाइप से बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होता है. तो पी जो है डेफिनेटली बेसिकली एक टाइप का सिग्मा बॉन्डिंग टाइप का है, और दोनों जो ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल है. तो पी के अंदर डी डी सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगा. Q को अगर हम देखेंगे तो ये भी एक टाइप की कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, सेम वेव साइन जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन अब ऑर्बिटल जो है ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं. तो ये पाई बॉन्डिंग टाइप का इंट्रैक्शन होगा. तो लेटरल ओवरलैपिंग से जो है पाई, और पहला पी है फिर दूसरा डी है, तो ये हम कहेंगे पी डी पाई बॉन्डिंग टाइप का इंट्रैक्शन हो जाएगा. तो पी में 2 आएगा और क्यू में डेफिनेटली 3 आएगा. तो पी में 2 है और क्यू में 3 है, तो उससे हमें आंसर जो हमारा मिल गया है, और वो आंसर जो हमें सी नजर आ रहा है. R को अगर देखेंगे तो ये भी P और D लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, बट अपोजिट वेव साइन जो है कंबाइन कर रहे हैं, तो ये एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाएगा. S को अगर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमारा ऑर्बिटल है ये एक डी जेड स्क्वायर है और दूसरे D के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, बट अपोजिट वेव साइन जो है कंबाइन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टाइप का ही होगा. तो S के अंदर जो है हमें मिल जाएगा 4. तो करेक्ट आंसर हमें जो मिल गया, पी के लिए हमने चेक किया है लिस्ट 2 से 2 मैच करेगा, और क्यू के लिए हमने देखा है तो वो 3 मैच कर जाएगा, बॉन्डिंग टाइप का है. मतलब क्यू और आर दोनों ही जो हैं वो पाई टाइप के हैं, क्यू वाला बॉन्डिंग टाइप का है और आर एंटी बॉन्डिंग टाइप का. तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए. तो ऑफिशियल आंसर हम चेक कर लेते हैं क्या है, एंड दैट इज ऑल्सो सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2015 से है, और 2015 का ये जो क्वेश्चन है वो एक इंटीजर कैटेगरी टाइप का क्वेश्चन है. अमंग दी ट्राइटमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स और आयंस वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल्स. तो यहां पे डी ऑर्बिटल से कंट्रीब्यूशन हमें चेक करना है. तो डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे
तो देखिए अगर कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट अगर है सेंट्रल एटम तो फिर उसके अंदर डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा फर्स्ट थिंग, और उसको लीनियर होने के लिए उस सेंट्रल एटम के पास में कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। तो अब इनके स्ट्रक्चर्स बना करके अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लीनियर होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स और आयंस वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल। तो सेंट्रल एटम जो है हमारे पास में सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए और उसके पास लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखिए सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड एलिमेंट से BeCl2 के अंदर मिल रहा है और ये N3- के अंदर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड एलिमेंट है, N2O के अंदर सेकंड पीरियड एलिमेंट है और NO2+ के अंदर सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ओजोन के अंदर सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बट सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होता है। ठीक है, ये HCl2 जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट इसके पास में लॉन पेयर है। तो इन एनी वे हमें कंसिडर नहीं करना है, Cl2- में भी सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं है और इसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर लॉन पेयर होंगे। I3- को अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड एलिमेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है या लॉन पेयर हो सकते हैं। XeF2 को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी ये सेकंड पीरियड एलिमेंट से नहीं है, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर इसके पास लॉन पेयर हो सकता है। तो ये हमारे पास में इतनी स्पीसीज हो गई, सेकंड पीरियड एलिमेंट है बट इसके पास लॉन पेयर होगा इसलिए ये बेंट टाइप का होगा, बाकी ये सब जो है वो लीनियर टाइप की स्पीसीज है, आप स्ट्रक्चर बना करके चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर एक्सपेक्टेड है वो 4 है, BeCl2 N3- N2O एंड NO2+। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 पेपर 2 से ही है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 moles ऑफ B2H6 आर कंप्लीटली रिएक्टेड विथ मिथेनॉल, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो मिथेनॉल की रिएक्शन B2H6 के साथ हम करा रहे हैं। मिथेनॉल एक लुइस बेस है और B2H6 जो है वो लुइस एसिड है, तो B2H6 जब रिएक्ट करेगा मिथेनॉल के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, और यहां पे 3 moles हैं B2H6 के। तो ये हम स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी यहां पे कि B2H6 जो है वो एक डाइमेरिक स्पीसीज है, जब ये रिएक्ट करने लगेगा तो मोनोमर BH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो BH3 है वो मिथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मिथेनॉल एक लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और यहां पे ये एक स्पीसीज बनेगी, ऑक्सीजन पे प्लस होगा और बोरोन पे माइनस होगा। तो अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है वो H+ की तरह बाहर निकलेगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो H- की तरह बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, तो ये स्पीसीज डिकम्पोज हो जाएगी और इस स्पीसीज के डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो BHHOCS3+H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये अगेन मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे करते 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 हम कह सकते हैं कि ये सारे हाइड्रोजन जो है वो मिथॉक्सी ग्रुप से डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो यही हो गया कि एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला और ये रिएक्शन हो गई। तो इसके 3 moles हैं, प्रोडक्ट हम कहेंगे कि हमारे पास में बन जाएगा 2 moles ऑफ BOCS3 whole thrice and H2। बोरोन को हमने बैलेंस कर लिया, अब यहाँ पे हमारे पास में जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकल आएंगे, ये 6 hydrogen बाहर निकल रहे हैं तो इसके भी 6 moles जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे और ये 6H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। Now, अब इसका 1 mole से 2 moles प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 3 moles से जो है बेसिकली 2 into 3 moles बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट को अगर हम देखेंगे तो ये जो आ गया हमारे पास में, सिक्स आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन कंटेनिंग प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ये आंसर हमारे पास में 6 आ गया।
Now, next question जो हमारे पास में under hydrolytic condition, the compound used for preparation of linear polymer and for chain termination. Linear polymer बनाने के लिए हम dichlorosilane लेते हैं और chain termination के लिए जो है हम monochlorosilane use करते हैं. तो ये A option के अंदर अगर हम देखेंगे तो trichloro वाला है वो use नहीं करेंगे, हमें चाहिए एक dichlorosilane और monochlorosilane. तो डाइक्लोरोसिलेन और मोनोक्लोरोसिलेन हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए. तो ये ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 2016 पेपर 1 से, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो है दे रखा है. तो इसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से कुछ डिफरेंस आता है इसके अंदर, तो वो डिफरेंस आप चेक कर सकते हो. जो हमारे पास में एल्यूमिनियम और गैलियम नेबरिंग एलिमेंट है, बट गैलियम के अंदर जो है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उसका साइज श्रिंक कर जाता है. सो गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से बिगर साइज का होना चाहिए था, लेकिन वो स्मॉलर साइज का होगा. सो गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ये एक यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है. तो ये हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, बाकी उसी के बेसिस पे चला जाएगा. तो आप और चेक कर लीजिएगा इसको. ऑफिशियल आंसर अगर हम देखेंगे तो वो हमारा बी ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो 2016 का पेपर 1 है, इसी पर बेस्ड है. तो इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स के बारे में ये क्वेश्चन है. तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स को अगर हम देखते हैं तो इस पर बेस्ड जो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी. तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं और देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा. बोरेक्स जो है हमारे पास में Na2B4O7.10H2O होता है. इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Na2B4O5OH4.8H2O. तो ये एक पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज है. इस पॉलीन्यूक्लियर स्पीसीज के भी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो चार सेंट्रल एटम है बोरोन, और इन चारों सेंट्रल एटम को हम ऑक्सीजन से लिंक कर देते हैं विच इज डाइवेलेंट, और पांच ऑक्सीजन एटम है. तो किसी दो बी को हमें एक और ओ बॉन्ड से लिंक कर देना है, और ये जो चार ओ एच ग्रुप है वो मोनोवेलेंट है, तो वो इन बोरोन से अटैच्ड रहेंगे. ना बोरोन के बॉन्ड्स अगर 3 से ज्यादा है तो फिर उसके पास कुछ चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज है -1. ये स्पीसीज हमारे पास हो गई. इस पूरी स्पीसीज में नेट चार्ज -2 होगा. उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली बैलेंस करने के लिए दो सोडियम आयन अटैच्ड रहेंगे. 8 वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन बॉन्डेड इनसे रहेंगे. अब यहां पे ये कह रहा है कि टेट्रा न्यूक्लियर B4OH5- यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. वो यहां पे आपको टेट्रा न्यूक्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब फोर सेंट्रल एटम यहां पे नजर आ रहे हैं. ऑल बोरोन एटम्स इन द सेम प्लेन, नहीं सारे बोरोन एटम सेम प्लेन में नहीं नजर आ रहे हैं. ये तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बोरोन जो है हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये बोरोन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है. तो यही दोनों सेम प्लेन में नहीं होंगे. ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसलिए सारे सेम प्लेन में नहीं हो सकते. इक्वल नंबर ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम, दो sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम्स हैं और दो sp2 हाइब्रिडाइज बोरोन एटम्स हैं. One terminal hydroxide per boron atom. तो ये सारे आंसर जो है वो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहे हैं. तो इस क्वेश्चन के ऑफिशियल आंसर को अगर हम देखेंगे तो वो होना चाहिए ए, वो होना चाहिए सी, और वो होना चाहिए डी. तो ये हमारा ऑफिशियल आंसर भी यही कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 पेपर 2 से है, और ये अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है. तो हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड, और भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. तो ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए C2-2- इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है. ये एसिटिलाइड आयन है, और एसिटिलाइड आयन जो होता है वो डायमैग्नेटिक ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है. और उसमें ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब N2 टाइप का होगा, N2 डायमैग्नेटिक है, तो C2-2- भी डायमैग्नेटिक है. C2 बी ऑप्शन कह रहा है O2-2+ इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2. तो देखिए O2 का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो हम बता सकते हैं कि 2 होता है, लेकिन O2-2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा. अगेन O2-2+ एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है.
14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर 3 जब होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर हो जाएगी. सो O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2 नो. तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट नहीं होगा. नाउ N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा. 14 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, 14 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम हो जाएगा. तो दोनों के अंदर एक में 13 इलेक्ट्रॉन एक में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही होगा, बट इनमें जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड उनमें डिफरेंस आएगा. तो ये आप चेक करना कि किस में क्या किस टाइप की स्पीसीज है. तो सी हमारा करेक्ट है. एच ई टू प्लस हैव द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम. नो, क्योंकि हीलियम एटम जो होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, और एच ई टू प्लस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में मिलेंगे. और ये जो हमारे पास में मेजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में मिलेंगे. तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑफ लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल. तो ये जो एच ई टू प्लस स्पीसीज है इसकी एनर्जी दो आइसोलेटेड हीलियम एटम की एनर्जी के बराबर नहीं हो सकती. ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं. हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s के अंदर, ये 1s के अंदर रहेगा, और हीलियम 2 प्लस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिग्मा 1s के अंदर रहेगा. तो सिग्मा 1s इज ऑफ लोअर एनर्जी देन 1s ओनली. तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए मिलेगा. सी टू टू माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक करेक्ट है, और सी मिलेगा एन टू प्लस एंड एन टू माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर. तो ऑफिशियल आंसर को हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, तो वो ए एंड सी ही कह रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 2017 के पेपर 1 से, और सम ऑफ नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज हमें फाइंड आउट करना है. तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर लेंगे. स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेंगे तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. ये हम इजीली चेक कर सकते हैं. सो इन सबके स्ट्रक्चर्स अगर हम बना देते हैं तो टी बी आर सिक्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो टी ई बी आर सिक्स का स्ट्रक्चर, और इस पे टू माइनस भी है. तो ये हमारे पास में टी ई के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बी आर के भी 6 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम तो आपको क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस अदर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम. अगर कोई m की वैल्यू हम पुटअप करेंगे मोनोवेलेंट एटम के लिए 1, डाइवेलेंट एटम के लिए 0 और ट्राइवेलेंट एटम के लिए -1, एन प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाई 2, तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इंडिकेट करेगा. वी स्टैंड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ एम जो होगा फॉर मोनोवेलेंट अदर एटम, मोनोवेलेंट अदर एटम के लिए एम की वैल्यू 1 हो जाएगी. एम फॉर डाइवेलेंट एटम जिसकी भी वैलेंसी 2 है उसके लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड m फॉर ट्राइवेलेंट एटम इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी. और c जो है वो चार्ज के लिए है. तो यहां पे ये जो हमारे पास में वेरियस स्पीसीज है इन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और उसमें से हमें नंबर ऑफ लॉन पेयर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स जो होंगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ अदर एटम्स. तो ये टी ई बी आर सिक्स टू माइनस स्पीसीज है. तो इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है हमारे पास में, और अदर मोनोवेलेंट एटम जो है वो भी 6 आ गया, और चार्ज जो है हमारे पास में ये 2 हो गया है. तो यहाँ पे ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास में आ जाते हैं. टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 8 आ जाते हैं. नाउ 8 में से अगर हम देखेंगे तो 6 हमारे पास में जो है वो बॉन्ड पेयर है,
सॉरी 7, 6, 6, 12 एंड 2, 14, 14 का हाफ हमें करना है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 जो है वो हमारा लोन पेयर हो जाएगा। नाउ BrF2 प्लस को अगर हम देखेंगे तो BrF2 प्लस में सेंट्रल एटम जो है हमारा ब्रोमीन होगा 7 इलेक्ट्रॉन, अदर मोनोवेलेंट एटम 2 है फ्लोरीन, और कैटायनिक स्पीसीज है तो नेगेटिव कर देंगे अपॉन 2, तो ये हमारे पास में जो आ जाएगा 8/2 दैट इज 4, और 4 में से 2 बॉन्ड पेयर है, अदर एटम्स 2 ही हैं तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा लॉन पेयर आ जाएगा, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर। SnF3 को अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल एटम जो है सल्फर है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, अदर एटम जो है वो 1 नाइट्रोजन है तो उसके लिए -1 हो जाएगा, और 3 फ्लोरीन है तो इसके लिए +3 हो जाएगा, चार्ज कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे, सॉरी ये प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये हम एम की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं सबके लिए, तो ये हमारे पास में जो आ गया है वो 4 आ गया, और 4 में से अगर हम देखेंगे तो अदर एटम्स 4 है, सो 4 बॉन्ड पेयर्स, इसमें लॉन पेयर जो है वो 0 लॉन पेयर हो जाएगा। XeF3 के लिए अगर हम देखते हैं XeF3 माइनस के लिए, तो सेंट्रल एटम ज़ीनोन है, अदर एटम्स 3 है, चार्ज -1 है तो प्लस कर देंगे, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं, 6 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 3 जो है वो लोन पेयर है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन दी फॉलोइंग स्पीसीज, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम का जो सम है वो 6 आना चाहिए, तो ये हमारा ऑफिशियल आंसर भी 6 ही कह रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अमंग दी H2, HE2+, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2-NF2 द नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, तो यहां पे डायमैग्नेटिक स्पीसीज को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो H2 हमारा डायमैग्नेटिक है, HE2+ जो है पैरामैग्नेटिक है, और Li2 डायमैग्नेटिक है, और Be2 तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और अगर ये मतलब वैसे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। Be2 पैरामैग्नेटिक होगा, C2 डायमैग्नेटिक होगा, N2 डायमैग्नेटिक होगा, तो यहाँ पे जो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है H2+H2 हो गया, और Li2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा हमारा, और C2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, N2 डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो यही इतनी स्पीसीज हैं जो कि डायमैग्नेटिक की तरह नजर आ रही है। F2 भी है एक यहाँ पे और वो भी डायमैग्नेटिक है, तो 4 H2 1, Li2 2, और C2 3, N2 4, और F2 5, 5 डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। वैसे ऑफिशियल आंसर इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन ओमिटेड है, और क्योंकि ये Be2 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं आएगा साथ में, तो इसलिए ऑफिशियल आंसर इन्होंने नहीं कंसिडर किया, क्वेश्चन इज ऑमिटेड फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो 2017 पेपर 2 से है, और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस H2 गैस, तो H2 गैस प्रोड्यूस करनी है हमें, कहाँ से बनेगा ये हमें देखना है। तो देखिए आयरन जो है हमारे पास में बेसिकली एक रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये पैसिव हो जाता है, रिएक्शन नहीं होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन द सरफेस, तो इसलिए इसमें तो कोई एक टाइप से रिएक्शन नहीं होगी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। इन एनीवे अगर कोई भी रिएक्टिव मेटल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है फ्रॉम डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो उस केस में NO2 प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स जो होते हैं वो डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा या NO2 जो है रिलीज होगा। तो वैसे तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ आयरन पैसिव हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अगर देखेंगे नाइट्रेट का NO2 के अंदर, तो नाइट्रेट का NO2 में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट है, और इसी नाइट्रेट का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम NO में अगर चेक करते हैं जो कि डाइल्यूट होगा तब होगा, तो ये +0.96 वोल्ट आ रहा है।
और हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम देखते हैं तो ये 0.0 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी H प्लस आयन से ज्यादा होगी। नाइट्रेट आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी H प्लस आयन से ज्यादा होगी क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहां पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस अगर हमें रिलीज करनी है तो ये जो ट्रांजिशन मेटल है इनका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। जिंक मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो एक वेल नॉन रिएक्शन है, यहाँ पे जो है हमारी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, इससे कम नेगेटिव होगा, तो इसलिए इजिली रिएक्शन हो जाएगी। डी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो कह रहा है कि गोल्ड मेटल एंड सोडियम साइनाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस भी नहीं है। एक्वस फेज में वाटर जरूर है बट यहाँ से गोल्ड वाटर का रिडक्शन नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट है एंड दैट इज द ऑप्शन सी। तो ऑफिशियल आंसर हम देख लेते हैं विच इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2017 के पेपर से और इसके अंदर कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। तो करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम चेक करते हैं इसके अंदर तो ये हमारे पास में है AlCH3 होल थ्राइस हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, BS3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर, AlCl3 हैज द थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन इट्स डायमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे इनके डायमेरिक स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है तो ये तो वेल नोन है कि BS3 का जो डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है उसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, लेकिन AlCl3 का जो डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है उसमें थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स नहीं होते हैं। तो सी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, बी करेक्ट है। AlCH3 होल थ्राइस जो ये ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम है ये भी डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डायमेरिक फॉर्म में जब एग्जिस्ट करेगा तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट, बी करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। लुइस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3। नाउ AlCl3 को अगर हम देखेंगे तो वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ एक्सटेंट तक एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन BCl3 डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, उसमें पुअर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए उसकी लुइस एसिडिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो ए है, बी है और डी है। तो ऑफिशियल आंसर को चेक कर लेते हैं क्या है, तो ऑफिशियल आंसर भी ए बी एंड डी नजर आ रहा है। तो ये इस टाइप से जो है हमने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। ये अभी तक जो है इतने ही क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन क्लास 11 से 2018 के पेपर्स तक के अंदर अपीयर हो रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।